राम राम साहब। राम राम दादा और सबे राम राम बंधु और सबे राम राम। बैठो बैठो। वाह आज तो बड़ी अच्छी बैठक हो रही है। चली आ रही दादा और कुड़ाई पे से यार। टाइम नहीं यार किसान खेती को टाइम नहीं हिसाब से वो भी बैठक। वही तो आओ। चलो बहुत बढ़िया। किसान बंधुओं को राम 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 राम। आओ सब आओ विराजो आप भी। समूह के बारे में अपन चर्चा करते ही रहा हर बार। तो मेरे हिसाब से अपन सबसे पहले तो गोलाई से बेटा अपन राम राम साहब राम राम आओ यहाँ आ जाओ। शर्मा जी यहाँ आओ। पहले तो अपन ये चर्चा करें कि जो अपनी पिछली मीटिंग हुई थी तो पिछली मीटिंग में अपन ने निर्णय लिया था सभी किसानों ने बैठ के अपन ने कि अपन को कैसे अध्यक्ष सचिव का चयन करना है। तो वो पिछली मीटिंग में अपना अपन ने अध्यक्ष और सचिव का चयन कर ही लिया था। तो उसी हिसाब से आगे पिछली मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की मीटिंग जो अपनी शुरू हो रही तो इसमें सभी सदस्यों के बीच में अध्यक्ष का अपन एक चयन करते हैं आज की मीटिंग का। तो आज की मीटिंग का अध्यक्ष किसे चुने? शर्मा जी को है ना। हाँ अध्यक्ष का चयन हमारे शर्मा जी का किया। सभी सहमत है इस बात से? हाँ सभी सहमत है। देखो आप सभी लोग आए हो और आपने बड़ो अपनो अमूल्य समय दियो तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं एक निवेदन करूँ आपसे कि सबके पास लगभग मोबाइल तो है ही है तो उन सब अभी थोड़ी देर के लिए अपन बंद कर ला जहाँ तक कि अपनी ये चर्चा साइलेंट कर ले चलेगी। जिनका साइलेंट ही होगा उनको भाई साइलेंट वाला तो कोई समस्या नहीं है पर नहीं है जनाब साइलेंट कर ले अपनी चर्चा करने में अपन को व्यवधान पैदा नहीं है इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है मैं भी वैसे खेती का काम देखता हूँ कुछ कुछ पर आपसे है कि जो अभी अपने यहाँ खेती में क्या चल रहा है क्या करना है अपन को क्या क्या कर रहे हैं अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। टाइम तो खेती में तो कहीं एक बकर चल रही जुताई मतलब खेती की बस जुताई चल रही खाद चल रही हो तैयारी कर लगभग मतलब खेती की। अब जैसे अपने मान लो गहरी जुताई के बारे में भी अपने पिछली मीटिंग में कि गहरी जुताई अपन ने करवानी है जुताई तो करवानी प्लाव के द्वारा तो गहरी जुताई कनकन ने करवा ली अभी तक गहरी जुताई हमने करवाई आपने भी करवा ली मैंने भी आपने भी करवाई सर हमने भी गहरी जुताई करवाई आपने भी करवा ली मैं भी करवाई गहरी जुताई। ट्रैक्टर का किराया ही बहुत बढ़ गया मैंने भी गहरी जुताई करवाई तो बहुत पैसे लगे 550 रुपया घंटा से करवाई लगभग सभी ने करवा ली गहरी जुताई हमने भी करवाई है और कोई भी बताइए उनने भी करवाई है गहरी जुताई। जो अपना समूह है उसके बारे में अपन ने क्या कि जो पिछली अपनी मीटिंग थी अब अपन को काम भी है आज भी अपन ने मीटिंग रखी। हाँ रखी आज की तारीख के हिसाब से जैसे आज तारीख है 25 तो 25 तारीख अपन ने मान लो मीटिंग रखना था तो सभी लोग आ गए तो मीटिंग रखना था तो अपनी जो पिछली बचत है उसके बारे में भी अपन को क्या मैं आपको बता दूं पिछली हाँ, बचत की थी पिछलो बजट भी देखा ना अपन के कतरों का बचत है पिछलो बजट अपना है 3000 रुपये पुराना अब तक को। हाँ अच्छा। पुराना 3000 रुपये अपना हो गया सभी का 10-10 रुपये के हिसाब से। तो अभी जो अपन को बैंक में अध्यक्ष सचिव का चयन करना है तो वो उसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो अभी अपना सेविंग बचत हो जाएगी अभी जो सभी लोग पैसे लेके आएंगे लेके आएंगे ना पिछली बचत अपनी हो चुकी थी 3000 रुपये सभी का 300-300 रुपये के हिसाब से तो 3000 रुपये अपने हो गए और अब भी अपन को बचत करना ही है तो सभी अपनी बचत की राशि जो अपने कलेक्शन करना है तो वो सब लेके आए होंगे साथ में तो वो सब अध्यक्ष जी के पास अपनी अपनी राशि जमा कर दे उसके बाद में अपन आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे तो सब अपने अपनी राशि लेके आए होंगे। सबसे पहले नाम है देवनारायण जी ये हमारी पिछली बचत आ गई है
इसके बाद में नाथूलाल जी लाइनमैन साहब, ये भागीरथ जी, इसके बाद में गोविंद सिंह जी, राम कैलाश जी, गोविंद सिंह आचार्य जी आपने कर दी, प्रेम नारायण जी, प्रभुलाल जी दादा, शिवलाल दादा जी, हाँ रमेश चंद जी, संतोष जी शर्मा, ये भाई साहब मारी बच्चे दादा जी, मांगीलाल जी, बच्चा तुम्हारी, मोहनलाल दादा आप भी अपनी राशि जमा करें, बद्रीलाल जी मार साहब, हाँ आपकी भी चढ़ा दी, तो सबकी राशि यहाँ पे, राम रतन जी अपनी, तो आज 15 लोग आए अपने यहाँ पे, 150 रुपये जमा हुए, तो अपने अध्यक्ष जी आप राशि, तो अपना यार आज 4-5 लोग कमाया, मतलब नहीं 5 लोग कमाए आज, है नहीं तो देखा है 5 से और अपन बाद में, हाँ बाद में दिलाएं आप, फिर लेंगे तो अपन अगली मीटिंग कर ले लेंगे, है नहीं हाँ। तो आप तो आज कितनी राशि है इकट्ठी करके, आपके यहाँ तो कितना 150 आ रही है, हाँ 150, और पिछली राशि है अपनी 3000, तो 3150 रुपये अपने, तो आज का देखा नहीं पता, हाँ आज की राशि गिन ला, हाँ आज की राशि गिनो आप, पंद्रह है भैया था, 150 रुपये, 150 आ गए ना बराबर, हाँ तो ये पिछली राशि मिला के 3150 रुपये अपने हो गए, जो पिछली राशि है वो भी आप इकट्ठी कर लो, वो भी ले लो अपने, पुरानी राशि शायद देवनारायण जी के पास है, हाँ देवनारायण जी के पास है, हाँ हमारे पास वो पुरानी राशि है, वो आज इसमें मिला लो, इकट्ठी कर लो, कतरा है पुराना, ये 3000 रुपये है पुराना, मेरे पास में दीजिए अध्यक्ष, ये मेरे पास थी आप रखो, और उस आज की इकट्ठी और कल ये पुरानी दोनों इकट्ठी कर लो, हाँ सारी जुड़ जाएगी ना, 3000 है ना, 3000 रुपया गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 तो 6 5 30 500 का 3000 ही है, और 150 ही आज का, तो 3150 रुपये अपने पास अपन टाइम पे इकट्ठा हो गया बचत का, ठीक है ठीक है, आगे ना आप सबके दिमाग असो नहीं हो कहेंगे कि दादा आगे पाँचों का सोरे दिमाग में यार कम ज़्यादा नहीं, आज का ही सारे पैसा तो मैं आज यहाँ पे मतलब इस बात की ये लिख देता हूँ कि ये आज के जो टोटल अपने पास राशि है आज की और पिछली बचत वो सारी हाँ अध्यक्ष जी के पास है, ये बात मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है देखो आज की कुल बचत 150 रुपये प्लस 3000 पिछला बराबर 3150 रुपये, अपन सभी इस बात में सहमत है कि ये पैसे शर्मा जी के पास है, अपनी कुल बचत 3150 रुपये, आप सभी इसमें सहमत है, अपन सभी किसान बंधु है नहीं, हाँ जो आज की अपनी मीटिंग है उसके अध्यक्ष और जो अध्यक्ष सचिव है उनको और सभी किसानों को एक्सेस डेवलपमेंट की तरफ से सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय तगड़ी की धूप में गिरते हुए में भी यहाँ आया और उन्हें अपनों कीमती समय दियो, अन्य के लिए उनको भी बहुत बहुत आभार।